सर गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पालजी ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे। तो आई थिंक घर पे होंगे। तो अभी का शॉट ऐसा है कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, मिनी ब्लॉग में हम गांव आए हैं। तो गांव में आज है शादी, तो अभी चलेंगे शादी अटेंड करने। तो गाइस लॉन्ग ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि पैसेंजर थे और बस थी, तो बहुत प्रॉब्लम थी, इसके कारण मैं लॉन्ग ब्लॉग नहीं बना पाया और भी बहुत प्रॉब्लम थी। तो अभी का शॉट ऐसा है कि अभी है थोड़ा दूर, मतलब बारात जा रही है इसी टाइप। तो अभी नहाएंगे और धोएंगे और फिर हमेशा की तरह तैयार होने के बाद चलेंगे बारात में लड़की फटाने। तो आओ चलो चलते हैं। तो गाइस मैं अभी अपने भतीजी को ढूंढ रहा हूँ, तो मारूँगा, उधम कर रही है, तो आओ जल्दी। बोल बोलेगी, फोटो लेगी नहीं लेगी? नहीं लेगी, नहीं लेगी। दूँ दूँ लेगी फोटो। तो गाइस यही है मेरी भतीजी के दांत देखो। गाइस अभी चल रहे नहाने, युद्ध हम कर रही थी ना, किसी सब सिखाना था, तब चल रहे नहाने, थका दिया ने दौड़ा दौड़ा के, अभी भी नहीं माननी। अब छोटे बच्चे तो नादानी होते हैं बस। गाइस पापा उधर घूम रहे हैं, अब नहाते हैं फटाफट। और गाइस पीछे की बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर मारो क्योंकि शादी विवाह का टाइम है तो होता रहता है। वैसे एक और डंडा मारता हूँ पहले। तो गाइस सब तैयार हो चुके हैं ऊपर से नीचे तक, और भैया भी है और पापा भी तैयार ही हैं, और ये अपना भाई ये भी तैयार है। तो अब बस 5 मिनट में निकलते हैं और फिर चलते हैं, मतलब यहाँ से करीबन 10-15 कदम दूर होगा जहाँ से बारात जा रही है, तो वो मेरी बुआ लगती हैं तो वहीं से जा रही है। तो अभी चलते हैं, फिर वहाँ पर नाचे गाएँगे, फिर जो भी सीन होगा वो आपको दिखाऊँगा। तो बस सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस अब जहाँ शादी है, मतलब जहाँ शादी, जहाँ बारात जा रही है वहाँ तो पहुँच चुके हैं, और यहाँ सारी गाड़ी खड़ी है और उधर घर है, और इधर मतलब इस रोड से बारात जाएगी। गाइस सनसेट भी होने वाला है और अब बारात निकलने वाली है। अभी आगे जा रहे हैं हम बस के पास और फिर निकलेगी। डीजे वीजे देखो वहाँ डीजे बज रहा है, और फिर अभी चलते हैं, मतलब जब बारात निकलेगी दिखाएंगे आपको, और पहुँचती तो भी बताएंगे। और अभी चलने पहले आगे हाँ बस के पास, हाँ तो अभी चलने बस के पास, कुछ काम वाम है इस कारण। और देखो गाइस सनसेट भी होने वाला है अभी, और उधर ही बस भी खड़ी है, तो आओ चलो चलते हैं। और कमेंट में बताना गाइस कैसा लग रहा हूँ, बेकार लग रहा हूँ पता है, पर कोई नहीं बता देना कोई नहीं, चलो ठीक है। तो गाइस आप क्या कहते हैं, डीजे के पास आ चुके हैं, ठीक है डीजे, तो अभी चलने डीजे के पास डांस करने और इन्जॉय करने, और सनसेट भी हो ही गया और बारात निकलने वाली है और दूल्हा नाच रहा है, तो अब हम चलते हैं हम भी नाचने के लिए। और जूते अगली बार फट गए थे, इस बार का पता नहीं, तो आओ चलो चलते हैं। तो गाइस वहाँ डांस वांस हो चुका है और अब ये सब रेडी है जाने के लिए बारात। तो अब गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं फटाफट बारात में, और बारात में मतलब शादी में जो भी हो, फिर चलते हैं फटाफट। तो आओ चलो चलते हैं। सो फाइनली गाइस अब बारात भी पहुंच चुके हैं, और सो गाइस अब बारात पहुंच चुके हैं, अब बस देर है थोड़ा डांस वांस करने की,
और फिर डायरेक्ट मज़ा आएगा। और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है उसे इग्नोर कीजिए, और कॉपी की राइट क्लेम आने का डर भी है तो गाइस, पर कोई नहीं। अब ऊपर से नीचे तक हम थक चुके हैं क्योंकि बस में आया, बस क्या कह रहा हूँ, लोरों में आते आते दिमाग ख़राब हो चुका पूरे तरीके से। फिर भी कोई नहीं गाइस, अब गाइस बारात तो पहुँच चुके हैं और आधी गाड़ी आई नहीं है, अभी गाड़ी आती है और फिर दिखाता हूँ क्या होता है क्या नहीं। तब तक के लिए बने रहे वीडियो में, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। और गाइस अब तो गाँव आ चुका हूँ, अब तो और मज़ा आएगा, बस ब्लॉग में बने रहिए आप। सो गाइस अब नाश्ता मिल गया है और उधर हो रहा है नाश्ता और अपने ले लिया है और खाते हैं। और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है तो उसे आप इग्नोर करो, और अभी ज़्यादा सादा प्रोसेस होगा तो दिखाएंगे, पहले भी खा लेते हैं इसे धीरे धीरे। और अकेला अकेला महसूस हो रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा है उतना, और आप लोगों को तो आएगा ब्लॉग में, टेंशन मत लीजिए। सो गाइस उधर चल रहा है नाश्ता और मैं तो कुछ खा नहीं सकता हूँ, मैं यही खा रहा हूँ खीर, क्योंकि गाइस मेरे जीभ है ना तो वो जल चुकी है, तो मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, मीठा चीज़ें खा पा रहा हूँ, मतलब तीखा नमक उमक जिसमें होता नहीं है तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पा रहा हूँ। अभी एक मंचूरियन था मैंने खाया और फिर मैं रोने लग गया, इसलिए गाइस मैं खा रहा हूँ खीर। और उस साइड नाश्ता चल रहा है, सहन करना पड़ रहा है क्योंकि गाइस आइटम है, रहा नहीं जा रहा, खीर ही खानी पड़ेगी गाइस। और जुकाम भी हो रहा है, सर दर्द भी हो रहा है, मन नहीं लग रहा गाइस, बस क्या बताऊँ, डीजे बजता है तो देखो मन लगेगा ही नहीं लगेगा। आओ थोड़ा थोड़ा उधर की क्लिप दिखाता हूँ आपको फटाफट। तो सो गाइस उधर हो रहा है नाश्ता, इस आले में है क्या कहते हैं गोलगप्पा, उस आले में है वगैरह वगैरह, और मैं खानी पड़ रही है ये खीर। और सो गाइस अपने सारे दोस्त पता नहीं कहाँ चले गए, समझ नहीं आ रहा कहाँ गए नहीं कहाँ गए, और इधर अभी खाना बन भी रहा है और इधर हम खा रहे हैं खीर। गाइस सॉरी मैं लॉन्ग ब्लॉग नहीं बना पाया ट्रैवलिंग का, क्योंकि बताया था आपको दिक्कत हो गई थी इसलिए नहीं बना पाया, तो कोई नहीं अभी मिलते हैं थोड़ा देर बाद इसे खाने के बाद। सो गाइस अब नाश्ता वास्ता कर चुका है और पापा लोग घूम रहे हैं उधर, और अभी हो रहा है सर में दर्द तेज, बहुत शायद लाल वाला जो, और तो मैं लेट गया हूँ चुपचाप, आपा गए मेडिकल से दवाई लेने, और अभी रात करीबन हो रहे हैं 10:30, आई थिंक भगवान करे कि दवाई मिल जाए। बस अब आराम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लेटे लेटे, और वहाँ सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, और मैं पागल इंसान क्या कर गया गाइस, मेरे सर में दर्द हो रहा है, वैसे भी बुखार था कल परसों में, वैसे भी मैं खाना भी नहीं खा पा रहा गाइस, बहुत प्रॉब्लम है। सो गाइस अब आराम करता हूँ, और अब वो जमाना लग गया, देखो गाइस बहुत ज़्यादा करने के बाद होगा तो ठीक है, ब्लॉग बनाऊंगा वरना तो ब्लॉग बनाऊंगा बस आराम करता हूँ थोड़ी देर, फिर मिलता हूँ आपको ब्लॉग में, देखो ब्लॉग बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। गाइस अभी दवाई तो खा ली थी और अब थोड़ा थोड़ा आराम है, अब लगता है कि ब्लॉग बन जाएगा। गाइस वहाँ सब मस्ती कर रहे हैं और डीजे बढ़ रहा है डीजे, और अभी चलते हैं डीजे पे। और
पसीना हो गया और अपने पूरे गंदे हो गए, जूते सब गंदे हो गए और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है इसे आप इग्नोर कीजिए। और उधर अभी बाबा के गए हैं तो अभी देखते हैं पापा को उठा रहे, उसके बाद फिर नाचेंगे और चलो पहले पापा को उठा दें। गाइस ये सो रहे पापा, पापा उठो चलो है आ गए अब खाना ना बड़े पापा चलो बड़े पापा चलो। तो सो गाइस अब सब उठ चुके हैं और उधर हो रहा है डांस और मेरे जूते को गाइस इतने गंदे हो गए देखो। तो सो गाइस अब चल रहे हैं, मैं मन कर रहा अभी भी डांस कर लूँ यार, पर यार वहाँ पे ना नशनी आ गई ना तो और मजा आ रहा है, छोड़ो गाइस। गाइस अब पापा को जूता पहनाता हूँ फटाफट, उधर रुको रहो। तो गाइस अब दोपहर के आ चुके हैं और अब चल रहे हैं खाना खाने, क्योंकि गाइस भूख बहुत लग रही है तो अब चल रहे हैं खाना खाने, उसके बाद इधर जयमाल होगा साथ, फिर गाइस बात करूँगा। गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक आप इग्नोर करो तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है यार। और अब पहले खाना खाते हैं फिर मिलता हूँ खाना। ये प्लेट है इसमें से मैं लेता हूँ एक प्याज और बस इतनी सैलेड लिए मैंने और इधर बहुत वैरायटी है तो आपको मैं थाली लेके दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस जब हमने खाना भी ले चुका है और खाना ये रहा पनीर पूरी और ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, वैसे भी नाश्ता करके पेट भरा हुआ है और डांस कर रहे हैं और पेट भी ख़राब हो सकता है और वैसे भी सर दर्द हो ही रहा है। तो गाइस पहले खाना खाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। आई लव यू गाइस, अभी मिलता हूँ फटाफट इसे खाने के बाद। तो गाइस जब खाना भी खा लिया है और ज़्यादा भूख वैसे थी भी नहीं और उधर चल रहा है डीजे वीजे और इधर हम खड़े हैं क्योंकि बैकग्राउंड सॉन्ग आता है ऐसे तो हम वीडियो बनाने में तो दिक्कत होती है। तो अब आइसक्रीम है आया कि डीजे गाना सुन के मच कर रहा नाचने का। तो गाइस ऐसे खाने के बाद मैं फिर जा रहा हूँ नाचने बाहर में जाए पेट और दर्द, मज़ा आता है नचनिया भी है ना। तो गाइस अब इसे आइसक्रीम खाने के बाद मिलता हूँ आपको बड़ा। सिगरेट जलाएंगे धुएं का छल्ला बनाकर उड़ाएंगे। अब प्लान कैंसिल, अब घर नहीं जा रहे, अब ये रुकने हैं कुछ देर के लिए, मतलब कुछ देर के लिए मतलब भी सुबह तक जाएंगे घर। और अभी इधर हो रहा था दुआरा का चार हो चुका है ख़त्म, हमने कर दिया मिस दुआरा का चार बिकॉज हम बिज़ी थे क्या करने में, हम बिज़ी थे डांस करने में तो हमने दुआरा का चार कर दिया है मिस और यहीं हो रहा था दोबारा का चार हमने कर दिया में। गाइस अब थोड़ी देर में जयमाल स्टार्ट होगा तो जयमाल की वीडियो बनाना बनाऊंगा नहीं बनाना हो तो देखूंगा, नहीं बनाना होगा नहीं बनाऊंगा क्योंकि वैसे भी फ़ोन चार्ज नहीं है गाइस। तो उधर है जयमाल, अभी चलेंगे जयमाल पे भी। तो गाइस घर इस लेने के घर जाने का मन था क्योंकि गाइस फ़ोन चार्ज नहीं है, फ़ोन चार्ज में भी लगाता और फिर एडिटिंग भी करनी पड़ती तो एडिटिंग और चार्ज में एक साथ नहीं कर पाता, फिर जाने का सोच रहा था फिर मैंने बोला नहीं क्योंकि शादी है मज़ा आता है। तो गाइस अब नहीं जा रहे और
इधर है दुल्हन का घर, वहाँ बैठी है दीदी लोग। दीदी कहना है ठीक होगा, बेटर होगा, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। उधर बैठी दुल्हन का घर, और इधर है वो, अभी बराती खाना खा रहे हैं। अब हम भी फ्री हो ही गए हैं डांस वूस करने के बाद। अब क्या करना है, अब जाना है खटिया ढूंढनी है, क्योंकि रात हो जानी है। फिर कहाँ जाएंगे, इस वक्त खट्टे ढूंढ के रहो, फिर लेटेंगे और जयमाल शुरू होगा, फिर देखेंगे और थोड़ी सी वीडियो बना लूँगा मैं। तो गाइस यहीं हो रहा था धुआरा का चार, और हमने कर दिया है मिस, और अब चल रहे हैं फटाफट वहीं जा थे हम लोग। और चलो चलते हैं गाइस। तो गाइस अब हमने खटिया भी ढूंढ लिए, और अब लेटे हैं खटिया पे टैन टैन हो गए। और यहाँ पे भी सब ने अपने अपने खटिए वो कर लिए, घेर लिए सब ने, इनने भी और सबने घेर लिए। और पापा लोग तो सो रहे हैं, और मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि समझ रहे हो थोड़ा सा होगा फिर सोऊंगा आराम से। और गाइस अभी दो दिन से मैं सो नहीं रहा हूँ, एक कल नहीं सोया मैं, और एक उससे परसों नहीं सोया था, और आज यहाँ तक ना सोऊं, इसे मिला के तीन दिन हो जाने हैं। तो गाइस आई थिंक मेरे हिसाब से ये ब्लॉग होगा लंबा, तो झेल लेना और क्या, देखना पर पूरा देखना, क्योंकि पहले मज़ा नहीं आ रहा था, तो डीजे में भाई साहब इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। तो गाइस इसे जानते हो, इसका नाम अंश है। अंश मैं कह रहा हूँ यहाँ लेट जा, यहाँ पे मेरे बगल में तो लेट ही नहीं रहा है, इसके बगल में लेट रहा है, लेटा ही नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरे बगल में लेट जा। इसके पास जा रहा है, लेटा ही नहीं रहा इसे। मैं कह रहा हूँ मेरे पास सो जा, सो ही नहीं रहा बेचारा, कोई बैठा। अंश यहाँ लेट जा, मिट्टी में हाँ उतार दे जूता, मिट्टी में कब लगा दे लड़की, मिट्टी में नहीं यहाँ वो आ रहा हूँ भाई। मतलब अब बस जा चुकी है, और बस में जाने का हमें मौका था कि वो घर छोड़ देती, पर वो गई नहीं। आ जा लेट जा, क्यूट। तेरा नाम क्या है? नाम बता दे, बता दे अंशपाल, बता दे उसका नाम, आपका नाम वो क्यों बताएगा, बोल दो। हाँ मैं सोऊंगा नहीं, हाँ मैं मोबाइल के लिए तो नहीं सो रहा। चलो अंश दोस्त, तुम हमारे पास सोयो, तुम चिल करके सो जाओ, तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम हैं। गाइस ये कैमरे में सर मारा है। सो गाइस अब जय माता, मिलता हूँ आपको फटाफट, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस हम सो गए थे, इससे बेहतर है कि हम घर ही चले जाएं। तो हम चल रहे हैं घर, और उधर जयमाल हो रहा है, और हम बैठे सो। गाइस सर में दर्द भी हो रहा बहुत तेज, इसी तरह हम चल रहे हैं घर, पापा आएंगे बाद में, चल रहे हैं सो, मतलब सोने, मतलब चल रहे हम घर पे। आओ चलो चलते हैं। एक लड़की है दीवानी सी, उस लड़की पे मैं मरता हूँ। एक लड़की है दीवानी सी, उस लड़की पे मैं मरता हूँ। जो देखूँ तो शर्माती है, इस अदा से मोहब्बत मैं करता हूँ। एक लड़का है जाना सा। तो गाइस अब घर भी पहुंच चुके हैं, और अब तो सुबह हो रही है, पहुंच हम 4 बजे ही गए थे, और मैं सर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं ना आया।
इसलिए मैं सो गया था तो ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी थोड़ा आराम है और अभी अभी सुबह हो गई है तो उठे हैं और तो मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। कैसे मैं दर्द हो रहा पिछले टाइम नहीं बना पाया ब्लॉग, तो कहीं सब घर भी पहुँच चुके हैं और प्रक्रिया चालू है। होप करता हूँ कि आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।